मानव एकता दिवस के अवसर पर निरंकारियों का देशव्यापी रक्तदान अभियान, देश भर में 83 तथा महाराष्ट्र में 14 शिविरों का आयोजन। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से मानव एकता दिवस के अवसर पर देशव्यापी रक्तदान अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत देश भर के 86 शहरों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई समेत महाराष्ट्र के 14 शहरों का समावेश था। मंडल के चेंबूर, डोंबिवली एवं उल्लासनगर में सत्संग भवनों पर आयोजित 3 रक्तदान शिविरों में 1244 निरंकारी भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ रक्तदान किया और मिशन के तत्कालीन सदगुरु बाबा गुरुवचन सिंह के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त किया। चेंबूर के रक्तदान शिविर में जे मेट्रो रक्त पेढ़ी 181, लोकल तिलक म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल सायन 190, वारिया हॉस्पिटल 127 और KM हॉस्पिटल में 193 रक्त पेढ़ियों में कुल 701 यूनिट रक्त संकलन करने का कार्य किया। इस शिविर का उद्घाटन अतिरिक्त जोनल इंचार्ज श्रीमती सरबजीत सौक जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस रक्तदान शिविर को श्रीमती रोहिणी कांबले, अध्यक्षा पब्लिक हेल्थ कमेटी मुंबई महानगर पालिका, और श्रीमती जयश्री पालांडे, स्थानीय नगर सेविका का विशेष भेंट दिया। सत फाउंडेशन के माध्यम से संत निरंकारी मंडल देश की स्वेच्छा से रक्तदान करने वाली संस्थाओं में एक अग्रणी संस्था बन गया है। दूर देश में भी मिशन की अनेक शाखाएं स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर इस प्रकार के रक्तदान शिविर का आयोजन करने लगी है। ये इंस्पिरेशन है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की, जिन्होंने 1986 में एक हमें स्लोगन दिया कि ब्लड शुड फ्लो इन वेन्स एंड नॉट इन ड्रेन्स, रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। और स्वयं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और पूज्य माता सविंदर जी ने रक्तदान करके इसकी शुरुआत की। आज मानव एकता दिवस है। 24 अप्रैल 1980 को सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने प्राणों के बलिदान दे करके मानवता के लिए एक संदेश दिया कि सत्य का साथ कभी ना छोड़ें और मिल करके सभी एक होकर रह सकते हैं। यही मानवतावादी संदेश जो है निरंकारी मिशन 1929 से दे रहा है। और आज विश्व भर में हर जगह पर ये ब्लड डोनेशन ड्राइव रेगुलर चल रहे हैं। ब्लड डोनेशन एक ऐसा संदेश लेकर जाता है यूनिवर्सैलिटी का, जहाँ सब एक हो जाते हैं। आज अगर एक रक्तदाता अपनी थैली पर अपनी जात का, मजहब का, कास्ट का, रिलीजन का, लैंग्वेज का लेबल लगा दे और फिर वो ब्लड सर्कुलेट किया जाए, कोई रेसिपिएंट ऐसा नहीं होगा जो रिफ्यूज़ करे। लेकिन इसी जात, धर्म और भाषा के नाम पे इतने झगड़े हो रहे हैं आज पूरे विश्व में। तो ये भी एक संदेश कि ये रक्त हमें मिला सकता है, जोड़ने का काम कर सकता है। संत निरंकारी मिशन इज अ स्पिरिचुअल मिशन, हम आध्यात्मिकतावादी हैं और मिल करके मानवता को आगे ले जाना चाहते हैं। और मानवतावादी ये मिशन समाज के भी अनेकों जिम्मेदारियों से जागरूक है और इसीलिए ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, मेडिकल कैंप्स और अनेकों ऐसे कार्य ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स द्वारा चल रहे हैं। रेगुलरली आज भी अराउंड 84 ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑल ओवर इंडिया लग रहे हैं और 1986 से लगातार ये कैंप्स चलते आए हैं और लाखों यूनिट ब्लड जो है मानवता को समर्पित हो सका है, ताकि हम सभी मिल करके एक यूनिवर्सल वननेस, ब्रदरहुड एंड यूनिटी के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे का सत्कार करें और इंसान को इंसान की नज़र से देखें, सभी भेदभाव जो है हमारे दूर हों। संत निरंकारी चैरिटेबल जे फाउंडेशन है ते एक त्यांची एक सामाजिक बांधिलकी आहे, त्यातून ते प्रत्येक वेळेस काही ना काही चांगले उपक्रम घेतच असतात। त्याच्यातून त्यांची एक स्वच्छ भावना असते की लोकांना त्या प्रत्येक उपक्रमांचा जास्तीत जास्त फायदा व्हावा।